हेलो दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं अपने नया एडिटिंग के साथ, जो कि होने वाला है कुछ विंग्स एडिटिंग, पंख वाला फोटो एडिटिंग, जो आप लोग देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा। इस एडिटिंग में मैं जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज करने वाला हूं, उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर लिखा रहेगा बैकग्राउंड एंड पीएनजी लिंक। तो अब आप सभी को मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का फ़ोटो एडिटिंग का वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अपने पिक्सआर्ट को ओपन कर लेंगे। तो हमारा पिक्सआर्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है, जो कि आपको दिख रहा है इस तरह से। तो यह ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का दिखने वाला है। तो हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ एडिट फोटो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड को ढूंढ लेते हैं। तो मैं रिसेंट में जाकर के अपने बैकग्राउंड को ढूंढ रहा हूँ। तो सिंपल से हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे मिल जाएगा बहुत जल्दी। अब पिक्चर में हमारा इसी में हमारा बैकग्राउंड है, तो यहाँ हम लोग बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और हम अपने बैकग्राउंड को ले लेंगे यहाँ से। आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड पूरा फुल HD में आप लोगों को मिलने वाला है। इस तरह का बैकग्राउंड जो भी इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल। तो इसमें हम लोग फोटो को ऐड करेंगे यहाँ से, ऐड फोटो पे जा करके, और यहाँ से हम अपने मॉडल का PNG, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने फ़ोटो ले रहा हूँ। तो ये हमारा फ़ोटो है, मैंने जिसका बैकग्राउंड को रिमूव कर रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे फ़ोटो का बैकग्राउंड पूरे अच्छे तरीके से रिमूव हो चुका है। अगर आप लोगों को इस तरह से रिमूव करना नहीं आ रहा है, तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना रखा हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। और इसका मैं लिंक भी दे दूँगा, इस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लगा लिया है, अपने पंख के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। तो हम लोग फिर से यहाँ से ऐड फोटो पर जाएंगे और ये कुछ शैडो का हम लोग PNG ले रहे हैं यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ शैडो ढूँढ रहा हूँ, इसमें मिल जाए। तो यहाँ हमें शैडो का PNG मिल चुका है। तो अब हम इसको अपने पैर के पास लगा देंगे, जो होता है कि देखने में बहुत अच्छा, बहुत रियल लुक देता है ये शैडो का PNG। तो हम फोटो को थोड़ा ज़्यादा जूम कर लेते हैं, बस जूम करके इसको लगाएंगे। और इसकी ओपिसिटी को हम कम कर देंगे, इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे पहले अच्छे से उसके, और इसकी ओपिसिटी को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, बस कहाँ करीबन इतना ही रख लेंगे। और उसके बाद डबल लेयर पर जाएंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और दूसरे पैर पे भी हम इसको लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये हम जो रियल बन रहा है शेडो, हम आपको इसका भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से जा करके। तो हम यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से लगा ले रहे हैं। तो इस हमारा एडजस्ट होने के बाद हम यहाँ पर सिंपली हम लोग यहाँ पर सही के टिक पर यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी फ़ोटो को डाउनलोड कर लेंगे। ऊपर तीर कटने से दिख रहा है, वहाँ से हम लोग फ़ोटो डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग चलेंगे लाइट रूम में, और लाइट रूम में हम इसकी कलर एडिटिंग करने वाले हैं अपने हिसाब से, जो कि हमें जैसे अच्छा लगे हम वैसे करेंगे इसकी कलर एडिटिंग। तो आप लोग देख लेना बस। तो हम लोग यहाँ प्लस पे जाएंगे और यहाँ से हम अपने फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, जो हमने अभी अभी एडिटिंग किया है उस फ़ोटो को हम यहाँ से ऐड करने वाले हैं। तो हम यहाँ फ़ोटो पर क्लिक करेंगे एक बार और नीचे यहाँ ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो रहा है, 2 मिनट हो जाइए बस। एक सेकंड देखिए, हमारा फ़ोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है और हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रीसेट का यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रीसेट को कॉपी करेंगे और इसमें जाकर पेस्ट कर देंगे। आप लोग हम इस प्रीसेट का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपको आसानी से इसका लिंक मिल जाएगा। तो बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है फ़ोटो हमारा पहले से, जो कि बहुत हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उसको शेयर करेंगे यहाँ पर स्क्रेच बुक में जाकर के, हम इस फ़ोटो को बहुत अच्छे से स्मूथ करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम इसको स्क्रेच बुक में शेयर कर चुके हैं। तो ये हमारा स्क्रेच बुक ओपन हो चुका है और हम इसमें ब्रश सेलेक्ट करेंगे। मैं इसे स्मूथ के ऊपर भी मैं पहले से बहुत वीडियो बना रखा हूं, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हमें स्मज वाला ब्रश ले लेना है और यहाँ से हम अपने फेस को जूम करके पूरे फेस पर अच्छे से आप लोग देखेंगे, अभी साइज को मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ बस, और देखेंगे बहुत अच्छे से, देखिए हमारे फेस पर ये हो रहा है। तो हम यहाँ से अपने फेस को बहुत अच्छे से स्मूथ कर लूँगा, हैंड वगैरह सब कुछ तो हमारा हो चुका है स्मूथ। आपको समय देकर के अच्छे से स्मूथ करना है।
आई एम श्योर अगर आप लोग पूरी फोटो एडिटिंग आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ से फ़ोटो को डाउनलोड कर रहा हूँ, तो डाउनलोड मेरा फ़ोटो हो चुका है यहाँ से। और तो अब हमें यहाँ पे हमारा गैलरी खुलेगा और हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा फ़ोटो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे।